हाल ही में आपने देखा होगा कि मुंबई इलाके के अंदर ड्रग्स से रिलेटेड केसेस बढ़ गए थे, साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इसके से जुड़े हुए थे। तो ये ड्रग्स के जो सप्लायर है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हमारे पुलिस अपर आयुक्त श्री दिलीप सावंत सर, हमारे DCP श्री विशाल ठाकुर सर, SCP यादव सर, इन्होंने एक संयुक्त मुहिम की आयोजन किया था। उसके तहत हर एक पुलिस स्टेशन को एक टास्क दिया गया है कि उनके इलाके में जो भी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी कार्रवाई के तहत तारीख 3/10 को हमारे पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक मस्के, उनकी टीम तथा WPC गोम्स, इनकी एक टीम गठित की गई थी और उनको एक एरिया के अंदर वहाँ पर कोई ड्रग्स सप्लायर आने वाला है ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे जो प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्री अडाने सर इनको मिली थी। उनके तहत वहाँ पर हम लोग ने ट्रैप लगाया। वो ट्रैप के तहत शाम के वक्त एक शाबाश सभ्य शेख नामक जो चक है उसको ताबे में लिया। ताबे में लेने के बाद दो पंच के सामने उसकी जब झड़ती जो है वो ली गई तो उसके अंदर MD का जो ड्रग्स है वो लगभग 20 ग्राम मैफेड्रॉन अलाइस MD ये उससे बरामद हुई है। उसके उसके ऊपर NDPAC एक्ट 1985 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। आरोपी की हाउस सर्च भी ली गई है। उसके जब तहकीकात करने के बाद मालूम पड़ा कि ये जो शख्स है ये फिल्म के जो म्यूजिशियन होते हैं उसके अंदर वो काम सीखने का काम अभी उसने चालू किया है। और इससे साथ ये और ज़्यादा ज़्यादा जानकारी इससे साथ कोई और लोग जुड़े हुए किए उसके सिलसिले में अभी पुलिस तहकीकात हम लोग ने जारी रखी है। सर जैसे आपने बताया फिल्म म्यूजिशियन का काम कर रहा है, तो क्या फिल्म वालों को भी ये सप्लाई करता था? नहीं, उसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी, ठोस जानकारी अभी तक मिली नहीं है। अभी तक पुलिस की उसकी पुलिस कस्टडी में है। उसके पहले भी उसने किसी को ड्रग सप्लाई किया है क्या, उसका उसका जरिया क्या है, उसके तरफ डीप में जाके इंक्वायरी करना जरूरी, क्योंकि आपको पता है कि रॉकेट बहुत बड़ा है। तो हमारे सुपीरियर जैसे हमको डायरेक्शन दे रहे हैं उसके ऊपर से यहाँ पर कार्रवाई के लिए तकियात कर रही है। आगे भी ऐसी कार्रवाई आपको यहाँ से हमको मिलेगी। मैं ऐसे आपको ठोस कार्रवाई देता हूँ।